कमाल का जो एडिटिंग लेकर आया दोस्तों, आप सोच उसका फुल ट्यूटोरियल देखूंगा इसी वीडियो में। तो आप यहाँ जो देखते हैं ये वाला वीडियो दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार जो मैं कि फुटबॉल में लात मारता दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार जो कि फ्लैम जो आप फेंकते हुए जाता, तो आपने ये वाला इफेक्ट जो कि किसी मूवी में हॉलीवुड में या चाइना मूवी में आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आज आपको वही वीडियो जो कि बनाना सिखाऊंगा अपना खुद का दोस्तों, तो सिंपली छोटा शॉर्ट वीडियो दोस्तों। तो अगर आप ये वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चाहे दोस्तों मैं हूँ टीके चौहान, मैं सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों इस चैनल पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये बताते हैं किस प्रकार से आप ये वाला वीडियो बनाएंगे। तो सिंपली आपको इसी प्रकार जो कि एक्टिंग करना है, देखते हैं मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार सिंपल तरीके से है जो कि अपना पैर को मारा है, बस जैसे फुटबॉल को फीलिंग कराए कि फुटबॉल आपके सामने है, आप उसी प्रकार से अपना पैर मारेंगे दोस्तों, ठीक है। इतना आपको सिंपली क्या करना है कि आपको दो चीज चाहिए दोस्तों, मैं बताता हूँ हरदम। तो मेरा दो एप्लीकेशन जो बहुत मैं यूज करता हूँ, जिसका नाम है काइन मास्टर एप्लीकेशन है मस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक है बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन दोस्तों, ठीक है। तो आपको उन दोनों का जो है उन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप वहां जाकर आसानी डाउनलोड करते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है दोस्तों। तो आइए हम आगे अब जो कि अपना एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। आइए हम मोबाइल से जाने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम मोबाइल से देते दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, हमें सिंपली हमने अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। तो आप भी इसी प्रकार से ओपन कर लेंगे। ओपन कर तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे जो मैंने बताया था कि आप किस प्रकार जो कि अपना वीडियो शूट करेंगे फुटबॉल को पैर मारते जैसे, उसी प्रकार से वो वीडियो शूट करना है, तो आपको सबसे पहले वाला वीडियो लेना दोस्तों। तो मैं आपको वाला वीडियो लेकर दिखाता हूँ। वाला वीडियो लेने के लिए आपको सिंपली लेयर में मीडियम जाना दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। तो आप मीडियम जाएंगे, मीडियम जाना दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ भी अपना वीडियो सेव किए होंगे या फिर शूट किए होंगे वहाँ से जो कि अपना वीडियो ले लेंगे दोस्तों। जैसे मैं यहाँ जगह ले रहा हूँ दोस्तों, तो आप देखते हैं मैंने पहले से ये वाला वीडियो शूट किया था, तो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों किस प्रकार से हमारा वीडियो दोस्तों। तो मैंने सिंपल तरीके से इस प्रकार से जो कि एक्टिंग किया था दोस्तों, ठीक है। तो आप देखते हैं बस इतना करने के बाद दोस्तों आप हट सकते हैं दोस्तों, बस इतना ही करना है दोस्तों। तो आपका वीडियो जो कि बन जाएगा बड़े अच्छे से, मैं छोटा सा वीडियो बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। तो आप इसी प्रकार जो कि बड़े बड़े वीडियोज भी बना सकते हैं दोस्तों। तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि यहाँ पर एक फुटबॉल जैसा फुटबॉल का वीडियो वाला फुटबॉल है उसी प्रकार का एक इमेज चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको इमेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, और जो कि ग्रीन बैकग्राउंड का मैंने बताया नहीं था पहले ही, एक ग्रीन बैकग्राउंड का वीडियो चाहिए दोस्तों फुटबॉल वाला, ठीक है। तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, आप वहाँ जाकर बड़ा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कीजिए इमेज और वो, ठीक। तो और आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि जहाँ से आप जैसे पैर यहाँ तक आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद रहे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक जो है कि आपको एक इमेज चाहिए दोस्तों फुटबॉल का। देख सकते हैं हमारा वीडियो पहले मैं लगा देता हूँ। तो आपने जहाँ से पैर मारा देख सकते हैं ये, देखते हैं जैसे ये, बस जैसे ही आपका पैर नीचे आए दोस्तों, ठीक है, ये बस जैसे ही पैर आपका नीचे आया हो यहीं पर आपको सिंपली जो कि ग्रीन बैकग्राउंड वाला अपना जो कि वो क्या कहते हैं फुटबॉल वाला वीडियो लगा देना दोस्तों। जो मैं फुटबॉल वाला वीडियो लगा देता हूँ, तो आपको उस वीडियो को लगाने के लिए आपको सिंपली लेयर में जाना दोस्तों, ठीक है। तो आप लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने से मीडियम जाना होगा, मीडियम जाने में दोस्तों जहाँ भी अपना जो कि फुटबॉल वाला वीडियो सेव किए होंगे वहाँ से ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर किया हूँ, तो आप देख सकते कुछ इस प्रकार से ग्रीन बैकग्राउंड पर है वो, ठीक है, उसका एनिमेशन कुछ इस प्रकार से फ्लैम आग जलता जा रहा है दोस्तों, देखते हैं। तो आपने इसी प्रकार से मूवी में देखा होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे थोड़ा सा जो कि क्रॉप कर लेना है, जैसे ये ब्लैक जो है कि वो दिखा रहा है, तो आप क्रॉप कर सकते हैं बड़े आसानी से। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है वीडियो के इस पर, क्लिक करना, क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ पर क्रोमा की दिख जाएगा है, उसे अनेबल करना है। तो कुछ इस प्रकार का आइकन है इसका क्रोमा की का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपको उसे अनेबल करना होगा। अनेबल करते ही दोस्तों आप यहाँ जो देख रहे हैं दो टिक, उससे आपको मैनेज करना है दोस्तों ये ग्रीन बैकग्राउंड को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से एनिमेशन है, तो इसे मैं पहले मैनेज कर लेता हूँ, तो उसके बाद बताता हूँ किस प्रकार से करेंगे। देखते हैं ये हो गया। उसका दोस्तों आपको क्या करना है कि जहाँ से आप अपना पैर मारे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ से शुरू में ही लगा दिए थे मैंने, यहाँ से आपने लगाया है, तो आपको सिंपली इसे जो है कि यहाँ पर लगा देना है अपने पैर के पास, ठीक है। यहाँ पर लगाते ही दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको इतना हो गया, इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होगा एनिमेशन इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इतना होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैं बता देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों इस साइड में जहाँ इधर से शुरुआत से आपको एक इमेज लेना दोस्तों, इसी प्रकार का जो कि
ठीक है। तो उस जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, आप वहाँ जाकर बड़ा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं उस इमेज का लिंक। जैसे वो भी वीडियो ही है दोस्तों, लेकिन वो इमेज के रूप में मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया हूँ दोस्तों। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों किस प्रकार से उसे जो कि उसका बैकग्राउंड इरेज करके मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम अपने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन चला सकते हैं दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए अपने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में। तो आपको सिंपली लोड अप फोटो पे क्लिक करना, क्लिक करते हैं दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर जो कि इमेज का दिख सकता है यहाँ पर कुछ बार से इमेज है दोस्तों, तो आपको सिंपली इसे मैनेज कर लेना है इधर उधर से, ठीक। क्योंकि आपको इसका बैकग्राउंड इरेज करना है दोस्तों, आप इतना बड़ा इमेज क्या करेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे इसे क्रॉप करके। तो आप डन पे क्लिक करें, क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ 5-6 टूल्स दिए गए हैं दोस्तों, आप बड़ी आसानी से इनसे अपना बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं कोई भी लेखर जैसे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मैं करता हूँ, जैसे ये एक क्लिक में ही गायब हो गया दोस्तों। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन बैकग्राउंड इरेजर, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा दोस्तों कि आप जब ऐसे करें अच्छे से दम करना है दोस्तों। देखते हैं कुछ बार से हो चुका है लगभग, तो मैं पहले से कर चुका था दोस्तों, लेकिन आपको बताने के लिए मैं किया हूँ। तो आप देखते हैं कितना अच्छा हो गया, तो आपसे सेव कर देंगे, सेव करना फिनिश कर देंगे दोस्तों, हो गया। तो आइए अपने कैनवास एप्लीकेशन फिर चलते हैं दोस्तों। लेकिन आप जो है कि इसी प्रकार की जो कि फोटोज़ भी मैं इसका लिंक जो कि ये वाले फ़ोटो का लिंक मैं नहीं देता हूँ इसमें, तो आप बड़े आराम से जो कि गूगल से या फिर कहीं से भी इसका जो है कि फ़ोटो ले सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के फुटबॉल के, ठीक है। तो आप जो कि डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं फिर से अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में दोस्तों। आपको क्या करना होगा अब, ठीक है, जो मैंने अपना बैकग्राउंड इरेज किया है तो आपको सिंपली उसे लगाना, तो शुरुआत से लगाएंगे दोस्तों क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि फुटबॉल रखा है दोस्तों वहीं पर, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा दोस्तों कि आपको उस लेयर में जाना होगा, उस फुटबॉल को लेने के लिए लेयर में जाना होगा दोस्तों आपको मीडिया में जाना होगा। तो मीडिया जहाँ पे यहाँ पर वीडियो भी लिखा होगा या फिर फोटोज लिखा होगा, तो आपको फोटो होता है फोटो में क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे में मीडिया दिखा रहा है, तो मीडिया में सभी चीज़ आ जाते हैं दोस्तों। तो मैं दिखा देता हूँ इरेजर में है मेरा ये फुटबॉल, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो आपको सिंपली जो है कि इसे थोड़ा अच्छे से मैनेज कर लेना है, इतना करना दोस्तों। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो आपको देखना है कि जहाँ तक फुटबॉल है, फुटबॉल का वीडियो जहाँ से लगा है बस उसी के थोड़ा सा पास में ही, जैसे वहीं से आपको इसे लगाना है दोस्तों। बस देख सकते हैं थोड़ा सा इसे मैनेज कर लेंगे अच्छे से, जहाँ से आपका फुटबॉल ये वाला है वीडियो है आपको वहीं तक आपका इमेज रहना चाहिए दोस्तों। बस देख सकते हैं मेरा इमेज यहाँ तक है। तो आपको सिंपली जो है कि इस फुटबॉल को जो ऊपर फुटबॉल है इसी प्रकार की आपको इमेज लेना है दोस्तों। देख सकते हैं किस प्रकार से इमेज मिल रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि इस पर आग जल रहा है ये वाला वैसे ही दोस्तों। तो आप इसी प्रकार जो कि अपने गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड इरेजर के एप्लीकेशन से बड़े आसानी से इरेज कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों कि इसी प्लाकर से मैनेज करना है दोस्तों। देखते हैं तो मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ दोस्तों, इस फुटबॉल को थोड़ा सा यहाँ से और बढ़ा लेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं ये हो गया दोस्तों। इतना होने वाला देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा वीडियो बनेगा दोस्तों। तो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ किस प्रकार से हमारा वीडियो बनेगा दोस्तों, ठीक। देख सकते हैं बस आपका वीडियो लगभग बन चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। तो आपको सिंपली जो फुटबॉल सीधा जा रहा है दोस्तों, तो आपको अगर ऊपर लाना है दोस्तों, तो आपको सिंपली क्या करना हो कि जहाँ पे ये ग्रीन बैकग्राउंड वाला वीडियो ये है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ शुरुआत में लाना है, तो आपको यहाँ पर एक जो है कि की का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, चाबी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपको सिंपली इसे थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाने के बाद तो आपको सिंपली क्या करना है कि अपने पैर के साथ लाना है उसे, जो वीडियो आपका है उसे अपने पैर के पास ही रखना है। देखते हैं फिर जैसे, तो आप देखते हैं यहाँ पर मेरा पैर गया था, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। तो आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, जैसे आपका यहाँ पैर गया ये देखते हैं उठ गया यहाँ तक, तो आपको सिंपली यहाँ पर लाना है इसे, ठीक है। तो आप फिर से देख सकते हैं, ठीक। तो आप थोड़ा सा और इसे ऊपर कर लेते हैं हम लोग, बस आपका वीडियो लगभग बन के तैयार हो गया दोस्तों। तो आपको मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से हमारा वीडियो बना है दोस्तों। तो सिंपली तरीके से हमारा वीडियो बन के तैयार हो गया दोस्तों। तो आप अगर इसे स्लो मोशन करते हो तो आपका वीडियो बहुत अच्छा बनेगा ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको सिंपली देख सकते हैं इस बात से हो गया। तो आपको मैं स्लो मोशन करना सिखा देता हूँ दोस्तों। तो स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, देखते हैं। तो मैं जहाँ से आ रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसे मान लीजिए, तो आपको सिंपली क्या इस वीडियो आइकन क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ कुछ इस प्रकार का आइकन देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपको क्या करना होगा कि अगर आप इसे ऊपर करते हो तो फास्ट होगा, अगर नीचे करते हो तो स्लो होगा। देखते हैं स्लो हो गया, लेकिन मैं पहले से इसका वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दिया हूँ। तो आप इसी प्रकार जो स्लो मोशन फास्ट मोशन कर सकते हैं बड़े आसानी से, देख सकते हैं कितना अच्छा वीडियो बना है दोस्तों, स्लोली हम आ रहे हैं दोस्तों इस यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से अपना वीडियो बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो मैं आपको वाला वीडियो दिखाता हूँ जो मेरा स्लो मोशन में है दोस्तों, ठीक है।
तो मैं आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? ठीक है, तो आपको मैं प्ले कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो आप जैसे कितना अच्छा प्रोफेशनल तरीके से बनाया दोस्तों हमारा वीडियो स्लो मोशन, और फुटबॉल को मारते ही जो फ्लेम जलता है, आग जल जाता है दोस्तों, तो आपका भी इसी प्रकार से आप अपना वीडियो बना सकते हैं दोस्तों बड़े आसानी से दोस्तों, ठीक है? तो आज की वीडियो मस्त है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज की बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है? तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है?